हेलो गाइस, मेरा नाम है ब्रिज और टेक न्यूज के एक और नई एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज है रेडमी की तरफ से। तो रेडमी नोट 10 प्रो 5G स्मार्टफोन की बैटरी आज BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो गई है। और दोस्तों, इस लिस्टिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि रेडमी नोट 10 प्रो 5G स्मार्टफोन इंडिया में अब जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। इंडिया में यह स्मार्टफोन रेडमी ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च नहीं होने वाला, क्योंकि यह स्मार्टफोन आज BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है पोको ब्रांडिंग के अंदर। यानी कि यह स्मार्टफोन इंडिया में पोको ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, ऐसी जानकारी मिली है कि यह स्मार्टफोन पोको X3 GT स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि इंडिया में पोको जल्दी ही लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग पोको X3 GT स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो? तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। Vivo Y73 2021 एडिशन Vivo का नया मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि इंडिया में अब जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि Vivo ने ऑफिशियली टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि Vivo का ये नया स्मार्टफोन इंडिया में अब जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन में हमें MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर, यहाँ पर हमें स्लिम बॉडी मिलेगी और यहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास भी मिल जाएंगे। और दोस्तों, ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में 20,000 या फिर 21,000 रुपीस की प्राइस रेंज में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, रियलमी के तीन नए स्मार्टफोन्स रियलमी 9, रियलमी GT2 एंड रियलमी XT3 आज ऑफिशियली लिस्ट हो गए हैं रियलमी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों, इस लिस्टिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि रियलमी के ये तीनों स्मार्टफोन्स इंडिया में अब रियलमी जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। रियलमी के इन तीनों नए स्मार्टफोन्स के लिए क्या आप लोग एक्साइटेड हो? तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, OnePlus ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि OnePlus Note CE 5G स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज वाली AMOLED डिस्प्ले एंड 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको OnePlus Note CE 5G स्मार्टफोन के बारे में और डिटेल्स जाननी है तो आप मेरा OnePlus Note CE 5G स्मार्टफोन का डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको कार्ड पर मिल जाएगी। Samsung Galaxy M21 Prime Edition का सपोर्ट पेज Samsung इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव हो गया है। और दोस्तों, इस सपोर्ट पेज से ये कंफर्म हो जाता है कि सैमसंग का यह नया स्मार्टफोन इंडिया में अब सैमसंग जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। सपोर्ट पेज के अलावा इस स्मार्टफोन को इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, यानी कि सैमसंग का यह नया स्मार्टफोन इंडिया में काफी जल्दी सैमसंग लॉन्च करने वाला है। BIS सर्टिफिकेशन की बात चल ही रही है तो आज की आखिरी न्यूज भी BIS सर्टिफिकेशन के बारे में ही है। रियलमी के नए नेकबैंड ईयरफोन रियलमी बड्स वायरलेस 2 आज ऑफिशियली इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो गए है। और दोस्तों, इस लिस्टिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि रियलमी के ये नए ईयरफोन्स इंडिया में अब रियलमी जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, आज की टेक न्यूज खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।